पब्लिक टीवी आपकी आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष के आखिरी मन की बात कार्यक्रम से महिलाओं को संबोधित किया, जिससे महिलाएं भी प्रभावित नजर आईं। 108वें मन की बात कार्यक्रम में महिलाओं और छात्राओं ने पीएम के संबोधन से प्रभावित होते हुए पीएम का आभार जताया। पीएम का संबोधन को सुनने के बाद छात्राओं का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी लगातार काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए चलाई गई पीएम की विभिन्न योजनाएं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही हैं। इस वर्ष के आखिरी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 108वें कार्यक्रम को संबोधित किया। 108 का महत्व बताते हुए कार्यक्रम की शुरुआत, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनका संदेश बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। युवा छात्राओं का कहना है कि आज पीएम मोदी ने महिलाओं को देश को आगे बढ़ने में हिस्सेदार बताया। उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में हर कालखंड को हमारी विलक्षण बेटियों ने गौरव से भर दिया है। सावित्रीबाई फूले ने बेटियों के लिए कई स्कूल शुरू किए और समाज सुधार में योगदान दिया। उन्होंने महिलाओं और वंचितों के लिए आवाज उठाई। जब महाराष्ट्र में अकाल पड़ा तो उन्होंने लोगों की मदद के लिए अपने घर के दरवाजे भी खोल दिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमना परवीन है और मैं बीएड फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। आज आपने प्रधानमंत्री मन की बात सुनी है, क्या सुना आपने? उससे हमने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें मन की बात में बेटियों की शिक्षा के बारे में बताया है और बताया है कि बेटियां किस तरह शिक्षा प्राप्त करके सशक्तिकरण कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि हमें अपने आसपास की चीज़ों को बारे में अवेयर रहना चाहिए और अपनी जीवन में अपने कार्यशैली में योग और मेडिटेशन को शामिल करके उसका लाभ उठाना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। और उन्होंने हमें नमो ऐप के बारे में भी बहुत सारी जानकारियां दी हैं, जिसमें कि हम प्रधानमंत्री जी की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। अपने आसपास अगर हम ऐसी बेटियों को देखते हैं जो कि इन चीज़ों से वंचित हैं, उनकी मदद कर सकते हैं उन्हें नमो ऐप के बारे में बता करके, और उसमें योजनाएँ जो हैं उनको इसके बारे में बता करके उनको इसका लाभ हम प्राप्त करा सकते हैं। और हमें बताना भी चाहिए कि ताकि जो मदद के असली पात्र के लोग हैं उन्हें इसका फायदा मिले। नाम है आपका? मेरा नाम ही अपनिका ठाकुर है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम को आपने सुना है, क्या कैसा लगा, वो क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने देश की महिलाओं के उज्जवल भविष्य को बताते हुए कहा, उन्होंने पुरानी महिलाएं जो देश की प्रथम महिला थी जो शिक्षा जिन्होंने शिक्षा और समाज सेवा में ज्योतिबा फूले का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसे ही हमारे बीच में ऐसी महिलाएं निकले जो देश को आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा महिलाओं का साथ देते हैं। वो चाहते हैं कि महिला देश में बहुत तरक्की करें, उसके लिए वो बहुत सारी योजनाएं भी चलाते हैं। जैसे जब किसी बेटी का जन्म होता है तो सुकन्या योजना, उसके बाद मंगल योजना, जो लड़कियों के भविष्य के लिए आगे बहुत ज़रूरी है। आपका? वंशिका। अच्छा, आज मन की बात कार्यक्रम आपने सुना है जी। क्या क्या पाया आपने, क्या अच्छा लगा? मैंने मोदी जी की बात से ये सीखा कि आज की डेट में हमें सबसे पहले अवेयर रहना चाहिए और अपने एफर्ट्स हमेशा शो करने चाहिए। दूसरी बात, अपने आप को इतना स्टेबल करना चाहिए कि सामने वाले बंदे से हम बीट कर पाए उसको। मेरा ये कहना है कि अपने आप को अपडेट रखना चाहिए, आप चीज़ों को देखकर उनके उनसे अवेयर रहना चाहिए और ख़ुद को हर चीज़ के लिए स्टेबल करना चाहिए हर कंडीशन में, क्योंकि हम कर सकते हैं। आज मन की बात का कार्यक्रम हमने नई बेटियों के साथ सुना, बेटियों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। कहते हैं ना कि बेटियों को सशक्त करने में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो ध्येय कर रहे हैं वो निस्संदेह सराहनीय काबिल है। बेटियों में उत्साह था, बेटियों ने भी अपने मन की बात कही और बेटियों से जब संवाद हुआ तो सबके मन में यही था कि चुप्पी तोड़ो, खुल के बोलो। और मुझे लगता है इन छोटे कार्यक्रमों से बेटियों में एक नई संचार और ऊर्जा का प्रदान होगा। आज 108वां कार्यक्रम था उनका, उन्होंने 108 का भी महत्व बताया। मोदी जी हमेशा से ही मन की बात का कार्यक्रम सब लोगों के बीच करते ही आए हैं और सुनाते ही आए हैं। आज साल के आखिरी दिन बेटियों के साथ ये कार्यक्रम सुनकर और एक नई हमें ऊर्जा का संचार हुआ। मुझे लगता है इससे जो नारी सशक्तिकरण का है एक जो विशेष वो ध्येय लेके चल रहे हैं उसमें भी गति प्रदान। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।